बीते सालों में देश उत्तर प्रदेश में कई सारे चुनाव हुए, कई प्रदेशों में चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, और जो नतीजे आए उस नतीजों के आधार पर यह कहना बहुत ही अहम और आसान है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने दूसरे राजनीतिक दलों के लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में राजनीतिक जो गठजोड़ था, राजनीतिक जो कायाकल्प थे, जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर चुनाव को ला करके, विकास की बात को ला करके, योजनाओं की बात को ला करके राजनीतिक दल जो कि दूसरे विपक्षी थे उनके लिए काफी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। ये 42वां स्थापना दिवस बीजेपी के लिए काफी अहम है क्योंकि ये 42वां स्थापना दिवस देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के दौरान मनाया जा रहा है। 42वां स्थापना दिवस, 75 साल आजादी के भी हो चुके हैं। इसके अलावा कई और अहम मुद्दे हैं जिसमें ग्लोबल ऑर्डर है, इसमें भारत में नई जो संभावनाएं हैं रोजगार को लेकर के, निवेश को लेकर के, डिजिटली संभावनाएं हैं, कई सारी प्रमुख संभावनाएं हैं, उनको बढ़ावा भी मिल रहा है और उस दौरान बीजेपी का ये 42वां स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। इसके अलावा अभी बीते दिनों 4 राज्यों में डबल इंजन की सरकार बीजेपी की बनी है, केंद्र में भी बीजेपी है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो जाहिर सी बात है ये अपने में बहुत ही अहम चुनाव भी बीता है, वो भी उस दौरान जब हम आजादी के 75 साल भी मना रहे हैं और उस दौरान जब बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस भी मना रही है। इसके अलावा 2 सीटों से लेकर 300 से ज्यादा सीट जीतने वाली बीजेपी इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा में 300 प्लस उनके सांसद हैं, राज्यसभा में पहली बार किसी राजनीतिक दल के 100 से ज्यादा सांसद हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अहम, काफी मजबूत करती हुई नजर आ रही हैं। ये बता रही हैं कि बीजेपी लगातार पूरे साल भर चुनावी मोड में रहती है, उनका जो थिंक टैंक है वो काफी मजबूत है, उनके जो नेताओं की लॉबी है वो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग प्रदेशों में जा करके जनता को अपनी योजनाओं के बारे में बता करके, और ये बता करके कि विपक्षी अगर आपके बीच में सत्ता में नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसका असर जनता के बीच में डाल करके ये जाहिर सी बात है सिद्ध करता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक दलों से ज्यादा और आगे सोच रही है। लगातार बीजेपी की तरफ से प्रयास है, लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिशें हैं कि जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई हैं उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए और उन योजनाओं के बारे में बता करके आगे की चुनाव की रणनीति भी तय करी जाए। 24 का चुनाव आना है, आज स्थापना दिवस है बीजेपी का, और उस दौरान भी जो पक्के घर बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं लोगों को, जो शौचालयों का निर्माण करवाया गया है, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला घर, उज्ज्वला योजना, घर घर जल, गरीबों के बैंक खाते, इस तरह की प्रमुख योजनाओं के बारे में जनता को बता करके ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि बीजेपी ने आखिरी घर तक सरकारी योजना पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और उसका लाभ भी बीजेपी को भी मिला है, जनता को भी मिला है। 22 के चुनाव में आपने देखा ही जिस तरह से सारे मुद्दे एक तरफ हो गए थे और बीजेपी का ये जो राशन स्कीम था ये कहीं ना कहीं एक तरफ हो गया था, और उसी राशन स्कीम के बलबूते पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 37 साल बाद मिथक को तोड़ते हुए रिपीट जीत दर्ज की। ये बता दिया दूसरे राजनीतिक दलों को कि उत्तर प्रदेश में 2 बार जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं तो जनता आपको जिताएगी, ऐसा नतीजे बताते हैं। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जनता को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने परिवारवाद के बारे में भी बहुत अहम बातें बोली हैं। उन्होंने कहा कि पुराने राजनीतिक दल चाहे वो देश में हो या किसी प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात हो रही थी, कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की बात भी कही जा सकती है, ये कहा प्रधानमंत्री ने कि परिवारवाद ने देश को काफी नुकसान में पहुंचाया, युवाओं को समस्याओं में डाला, युवा अब समझ चुके हैं
कि इस परिवारवाद की वजह से ही उनका जो भविष्य था वो अधड़ में था। ये परिवारवाद की ही राजनीति थी कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में रोजगार की समस्याएं उत्पन्न हुई, देश में कई और समस्याएं उत्पन्न हुई, और अब युवा जो है वो जाग गया है। प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे थे कि युवा अब जाग गया है और युवा जान रहा है कि परिवारवाद वाली पार्टियों को बाहर करना है, क्योंकि परिवारवाद वाली पार्टियां लोकतंत्र की दुश्मन है। ये ऐसी अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। उनका सीधा तात्पर्य किस राजनीतिक दल से है ये मैं नहीं जानता हूं। मैं इस चर्चा के जरिए जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये परिवारवाद वाली जो पार्टियां थी, जिन्होंने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने युवाओं के हक को छीना, वो राजनीतिक दल कौन से थे, और अगर वो राजनीतिक दल अपने आप को समझ रहे हैं कि इंगित उन्हें किया जा रहा है, तो उनका जवाब क्या है, मैं इस डिबेट के जरिए जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं टॉपिक पर लौटता हूं, परिवारवाद को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें जो देश प्रदेश में काम करती थी उनका सिर्फ मूल मंत्र एक रहता था, वो रहता था कि भेदभाव और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैलाने की कोशिश करी जाती रही है किसी भी सरकार में, और इसका खामियाजा जो है वो आम जनमानस को, आम जनता को, प्रदेश के विकास को भुगतना पड़ा है। इस तरह की प्रमुख बातें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही कि हमारी सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, हमारी योजनाएं जनता के लिए होती है। और अभी आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जब दूसरी बार उत्तर प्रदेश में काबिज हुई है तो 100 दिन के एजेंडे के साथ काम कर रही है। उसने साफ तौर पर कहा है कि नेता मंत्री अपना पूरा जो खाका है वो तैयार कर लें कि 100 दिन में कितना काम करेंगे। रोजगार की दृष्टि में सरकार ने बेहतर काम करने के वायदे किए हैं कि 100 दिन में हम 10,000 रोजगार प्रोवाइड कराएंगे। कई सारी अहम बातें सरकार की तरफ से कही गई हैं, और जितनी स्कीमें सरकार ने, चाहे वो आवास के नाम पर हो, शौचालय के नाम पर हो, राशन स्कीम के नाम पर हो, जो 3 महीने अब बढ़ा दी गई है, 24 का चुनाव है, वो अभी आगे और बढ़ेगी, इन सारी योजनाओं का जो फायदा बीजेपी को मिल रहा है, आखिर विपक्षी दल उस पर क्यों नहीं आज तक सोच पाए, ये भी एक अहम सवाल है। तो आज की इस डिबेट के जरिए मैं जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर बीजेपी का ये स्थापना दिवस, बीजेपी का ये आरोप परिवारवाद वाला, ये किस राजनीतिक दल के लिए था, और अगर उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र को खतरा पहुंचाया तो क्यों पहुंचाया, इन राजनीतिक दलों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि जनता के लिए काम करना है जैसा बीजेपी कर रही है, जैसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस चर्चा को शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि हमें भारत के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है कि भारत के कोटि कोटि नागरिकों की श्रद्धा आस्था का केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई। लखीमपुर में भी पंचायत के चुनाव में हमारी माताएं बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए। अभी एटा में जिस तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से पर्चा नहीं भरने दिया,